हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। मेरे सारे भाइयों और बहनों को खुश रहो, तुम मस्त रहो। आज की वीडियो में किसी और टॉपिक पे लाने वाला था, किल। हाँ, किल मूवी का रिव्यू होने वाला था, बट आज मैंने जो देखा उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरे को वापस आना पड़ा। हाँ, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा गर्मी में, बट देख रहे हो नए कपड़े चमकाने भी आ गया बहाने से, बट ये नहीं है सच। सच है छावा। तुमने छावा सुन रखा होगा मुंबई स्लैंग में। मेरे को लगता था पहले वो जो कपल्स होते हैं उनमें मेल पार्टनर को कहते हैं प्यार से छावा, ये महाराष्ट्रियन साइड में, बट आई एम रॉन्ग। तो इसी गलत फहमी को दूर करने विक्की भाई आ चुके हैं अपनी छावा लेकर। तो ये मूवी होने वाली है हिस्टोरिक ड्रामा संभाजी महाराज के ऊपर। अब देखो भाई, चार जो सीन डाले हैं वो उन्हें भी पता है कि किस चीज़ के लिए हाइप कर रहे हैं। वो 6 दिसंबर को मूवी आनी है, अभी है 2 महीने। अगर अक्टूबर में जिस महीने में मेरा बर्थडे आता है उसमें भी डाल दे तो भी हाइप हो जाता। सोचो अभी से हाइप करना चाह रहे हैं तो कितनी बड़ी चीज़ होने वाली है। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुमने तानाजी देखी हो तो उसके एक्शन सेट पीसेस थोड़े अलग हैं, बट तुम इसके देखो, बस टीज़र में ये डाल देना। मैं ये नहीं चाहता कि बस टीज़र में जो डाला है उससे ऊपर चीज़ें ना हो मूवी में, क्योंकि एक चीज़ तो मैं लिख के दे सकता हूँ, विक्की भाई की एक्टिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। और इतना हिस्टोरिक रोल मिला है, मैंने देखा है विक्की भाई जब भी जाते हैं ना कि हिस्टोरिक रोल में कि अब मजे आएंगे, तब आते हैं भाई। लिटरली तुम देखो वो सरदार उधम सिंह, वो विक्की के करियर में मैं सबसे ऊपर रखता हूँ अभी तक। विक्की भाई सल्यूट है फॉर देट। और ये संभाजी आ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले तुम्हें पता ही है कैप्टन सैम बहादुर आए थे, ठीक है, सॉरी फील्ड मार्शल सैम बहादुर आए थे, मैं गलत निकल गया, सॉरी। बट हाँ, मूवी मज़े देने वाली है और टीज़र से पता लग जाता है कि क्या होने वाला लेवल, ठीक है। और एक्टिंग, वो जो लास्ट शॉट है जो वो दिखाते हैं कि दबदबा चाहे कोई भी आए कोई भी जाए बट एक बंदे का रहेगा, संभाजी, ठीक है। और उसमें भी एक बंदा जो अपने आप को प्रूव कर चुका है, ठीक है, उसने बहुत अच्छी मूवीज दे रखी हैं और अब वो अपने आप को प्रूव कर चुका है। और जो वो लास्ट में बिल्कुल रूलर जैसे बैठा होता है भाई, जो वो होता है ना, क्या कह सकते हैं यार, जितना बढ़िया लग रहा है वो शॉट, बहुत ही बढ़िया। और उसमें जो एम्परर वाली फील दे जाते हैं विक्की भाई, बहुत बढ़िया। तो हाँ, आज के टीज़र रिएक्शन में या रिव्यू में यही सब था। हाँ, मेरा मन किया मेरे को बात करनी चाहिए इस पे, तो मैं आ गया, नहीं तो मेरी एक वीडियो पड़ी थी वो मैं एडिट करता। बट हाँ, थैंक यू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी विक्की भाई, और मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में। और हाँ, एट लास्ट सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दिनों से दुरुस्त रहना और आते रहना अल्फा वर्ल्ड पर। बाय बाय।